इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? उधर उनके पास। ओ, विमल भैया के पास जा रहे हो? विमल भैया के पास। अरे कान में रुई ठूस रखी है, दिमाग में कीड़े पड़े। कितनी बार बताना पड़ेगा तुम लोगों को कि ऊपर आना मना है? समझ में नहीं आता? हाँ? अब इस घर का बंटवारा हो चुका है। ये नीचे वाला हिस्सा तुम लोगों का है और ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा है। मामी आप कुछ भी बोलती है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि आभा अपने दूसरे पति के साथ व्यस्त है और इसलिए तुम्हें यहाँ भेज दिया? बस कीजिए मामी जी। आपको कोई हक नहीं है हमारे बारे में ऐसी घटिया बातें करने का। सुनो, मुझे भूख लगी है। क्या? भूख लगी है। भूख लगी है? क्या खाओगे बताओ? सैंडविच बना दूं? सैंडविच खाएंगे? सैंडविच। हाँ मैं आती हूँ। ले जाओ पापा। देख रही हैं? शैली भाभी नीचे जा रही है। किस किस को रोकेंगी आप नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने में? और ये जो आपने हमारे परिवार के बीच दूरियां पैदा कर दी है, इसे तो हम मिटा कर रहेंगे। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? डॉक्टर श्रीवास्तव अभी फोन पे थे। उन्होंने कहा कि वो 17 तारीख को मिष्टी का ऑपरेशन नहीं कर सकते। उस दिन और भी ऑपरेशन है उसके। मिष्टी? मिष्टी बेटा, आप क्यों निराश हो रही हैं? आप जानती हैं हमारी माँ क्या कहती थी? अगर इंसान के मन में विश्वास हो तो भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देते हैं। ये दुर्गा चालीसा है, हम इसका पाठ कर रहे हैं। आप हमारे पीछे पीछे दोहराइएगा, ठीक है? नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। हेलो विरेन, तुम बहुत लकी हो। अभी अभी एक ऑपरेशन कैंसिल हुआ है मेरा, तो 17 तारीख को मिष्टी का ऑपरेशन हो सकता है। रियली? थैंक यू सो मच। थैंक्स। मिष्टी, मिष्टी इधर बेटा। पापा बुला। हाँ बेटा, आपका ऑपरेशन 17 तारीख को हो पाएगा। ओके, आप अपने बर्थडे के दिन देख पाएंगी। देखा आपने बेटा? पापा अभी आप भरोसा नहीं करोगे, ये भगवान का ही आशीर्वाद है। मम्मा कहती है ना कि दुर्गा चालीसा पढ़ने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। सही कहा आपने मिस्टर प्रसाद, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। रुक जाइए डॉक्टर रॉय। जितना अविश्वास आपको भगवान पर है, उससे कई गुना ज्यादा विश्वास हमें भगवान पर है। और हमें पूरा यकीन है भगवान कभी हमारी बात नहीं झुटलाएंगे। आप देखिएगा, मिष्टी का ऑपरेशन बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी संकट के कामयाब हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम प्रण लेते हैं इसके बाद हम कभी पूजा नहीं करेंगे।